हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन की फंक्शनैलिटी देखी थी रिडक्स की मदद से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे सिस्टम पे जो साइबर अटैक हो गया था जिसमें मेरा सारा डेटा यहाँ पर लॉस्ट हो गया और ऑलमोस्ट रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग गया। अभी भी कुछ फाइल मिसिंग है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेफ्टी साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू हमारे नोड सर्वर को डिप्लॉय कर देंगे और उसकी ईपीआई वहां से यूज करेंगे, क्योंकि लोकल में फिर से अगर इशू हो गया तो हमारा कोड यहाँ पर काम नहीं करेगा। और अगर हम इसको डिप्लॉय कर लेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा और उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो उसको कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म पे हम क्या करेंगे, होस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है गिटहब पर। गिटहब के बाद में हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे कोई भी फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ में। आई होप आपको गिटहब यूज करना आता होगा, काफी बेसिक है, फिर भी मैं आपको स्टेप बता दूंगा तो आपको और आसानी होगी। पहले शुरू आपको क्या करना है, गिटहब पर जाना है। गिटहब पर जाने के बाद में आप साइन अप कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो लॉग इन करिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, या फिर देखिए यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप जाएंगे योर रिपोजिटरी के अंदर, तो सेम पेज पे आपको जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। यहाँ से आप न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ Node.js Ecommerce Stack App, तो मैंने इसका नाम लिखा। उसके बाद में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फुल लिख सकते हैं Node.js Application, या फिर आगे पूरा लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन अभी इजी लेता हूँ, बाद में इसको मैं क्या करूँगा, एडिट करके फिल कर दूंगा। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन रहेगा उतना अच्छा सामने वाले को समझेगा कि कैसा आपका एप्लीकेशन है। उसके बाद में इसको पब्लिक रखेंगे, रीड में फाइल भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ बाद में। बाद में सिंपली आप क्या करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड को अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे, देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऐड फाइल पे भी आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप HTTPS, SSH, GitHub CLI इन सभी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप GitHub डेस्कटॉप का भी यूज कर सकते हैं। सबसे देखिए सिंपल वे क्या है, आप यहाँ पर ऐड फाइल में आके सारी फाइल्स को वन बाय वन अपलोड कर सकते हैं, या फिर देखिए गिटहब डेस्कटॉप का ऑप्शन भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको CLI आता है तो आप CLI पे जाके भी कर सकते हैं, या फिर SSH की मदद से भी आप कर सकते हैं। इस कोड को आपको कॉपी करना है, आई होप आपको बेसिक पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ग्राफिकल इंटरफेस की मदद से कर लेंगे, यानी गिटहब डेस्कटॉप का हम यूज कर लेंगे, तो वो काफ़ी ईजी है और कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा है तो वो भी ईजिली कर सकता है। कैसे करेंगे, आप सबसे पहले क्या करें, गूगल पे जाइए। सो यहाँ से मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे गिटहब डेस्कटॉप और फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये विंडोज के लिए भी मिल जाएगा, मैक ओएस के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अभी इंस्टॉलेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है, और इसके अंदर आपको लॉग इन करना है। लॉग इन मेरे पास ऑलरेडी है, लॉग इन का कोई इतना हार्ड स्टेप नहीं है। जैसे इसमें आपको जो है लॉगिन का स्टेप में लेगा ना, तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको वापस से ये ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, अपने गिटहब के साथ में इसको ऑथराइज करना है, यानी ऑटोमेटिकली लिंक आ जाती है। आप क्या करें, पहले शुरू उसको इंस्टॉल करिए, इंस्टॉलेशन के बाद इसमें लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद ये आपको जो है वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेंगे गिटहब की, वहां से आपको सिर्फ ऑथराइज करना है, ऑटोमेटिकली बटन आ जाता है। सो मैनुअल कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। वंस आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो गया, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे ये शो करता है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ गिटहब डेस्कटॉप, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस आपको इसमें देखने मिले, आप यहाँ से सेटिंग में जा सकते हैं। देखिए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यहाँ से देखिए अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, साइन इन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन किट अपीयरेंस में जाके आप जो है इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। मेरे पास डार्क थीम है इसकी, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन, प्रॉम्प्ट्स, एडवांस जो भी आपको सेटिंग करना है तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपकी जितने रिपोजिटरीज हैं वो यहाँ पर शो करेगा। अभी हमारे पास प्रोडक्शन के नाम से हमने क्रिएट किया था, उसको सर्च कर लेंगे प्रोडक्शन डैट Node.js। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या नाम लिखा था हमने, प्रोडक्शन हो गया। ओके इसको करेक्ट कर लेंगे, पहले सेटिंग में जाके ये है प्रोडक्शन, तो डी मिस हो गया यहाँ पर, तो इसको रीनेम कर लेंगे प्रोडक्शन Node.js ऐप। रीनेम पर क्लिक करेंगे तो ये रीनेम हो गया, देख सकते हैं। चलते वापस गिटहब डेस्कटॉप में और यहाँ से इसको पहले शुरू रिफ्रेश कर लेंगे। अब यहाँ पर बराबर शो कर रहा है, देख सकते हैं प्रोडक्शन डैश Node.js डैश ecommerce ऐप, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लोन के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में प्रॉम्प्ट आपको इस तरीके से शो करेगा,
आप डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, डिफॉल्ट इनफ है, सी ड्राइव के अंदर ये सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। क्लोन कर लेते हैं इसको। जैसे क्लोन पर क्लिक करेंगे, क्लोन फोल्डर आपके सिस्टम के अंदर ये बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है, प्रोडक्शन नोड जेएस ई कॉमर्स ऐप। अब आपको क्या करना है, जाना है वीएस कोड में और सर्वर को क्या करेंगे, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और इस सर्वर के अंदर जितना भी कोड है ना उसको कॉपी कर लेंगे। आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर सेलेक्ट नहीं करना है, उसी तरीके से .env की फाइल को भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी सारे फोल्डर सेलेक्ट रहेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे फोल्डर पे जाना है, यानी अभी जो ये एम्प्टी फोल्डर है ना प्रोडक्शन नोड जेएस ई कॉमर्स ऐप, इसमें आपको जो सारा कोड पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो देखिए अब आप गिटहब डेस्कटॉप पे वापस जाइए तो सारा कोड यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। प्लस का मतलब ऐड हो रहा है, माइनस शो करेगा मतलब वो रिमूव हो रहा है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन कोड और डिस्क्रिप्शन, अच्छा यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक, ये है प्रोडक्शन कोड और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देता हूँ, नोड जेएस ई कॉमर्स ऐप कोड। इतना लिख के आपको कमिट टू मेन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर पुश ओरिजिन बटन पर क्लिक करेंगे तो सारा कोड जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके रिपोजिटरी के अंदर। देख सकते हैं आप यहाँ पे अपलोड हो गया, इसको चेक कर सकते हैं। चलते वापस गिटहब पर। अभी देखिए कोई भी यहाँ पर कोड शो नहीं कर रहा है, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो सारा कोड यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं परफेक्टली हमारा सर्वर का कोड गिटहब पर डिप्लॉय हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइक्लिक का इस्तेमाल करेंगे। साइक्लिक क्या है अगर आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द स्क्रैच हम यहाँ पर देखेंगे। आपको गूगल पे सर्च करना है साइक्लिक SH, इतना लिख के आप सर्च करिए, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट ऐप डिप्लॉय एंड होस्ट, तो इसमें हमको फ्री टियर मिलता है इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है या फिर साइन अप कर सकते हैं। दोनों केस में आपको क्या है, गिटहब से ऑप्शन मिल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो साइन अप करिए, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसका तो मैं लॉग इन पर क्लिक करूंगा। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली मैं लॉग इन हो जाऊंगा क्योंकि मैं गिटहब पे लॉग इन हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर गिटहब से लॉग इन हूँ इसीलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर लॉग इन हो चुका हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप गिटहब से डायरेक्ट वहां पर लॉग इन करिए, उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको भी डैशबोर्ड नजर आएगा या फिर एम्प्टी डैशबोर्ड भी शो कर सकता है। और देखिए यहाँ पर क्रेडिट जीरो है क्योंकि फ्री टियर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, न्यू ऐप का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्लस न्यू ऐप पर आप क्लिक करिए, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो लिंक योर ओन पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे पहले शुरू रिपोजिटरी को। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा है प्रोडक्शन नोड जीएस ई कॉमर्स ऐप। फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको ऑथराइजेशन के लिए पूछे तो वहां पे आप क्या करें, इसको ऑथराइज कर ले ताकि ये गिटहब के फाइल्स को एक्सेस कर पाए। तो इस रिपोजिटरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्शन नोड जेएस ई कॉमर्स ऐप, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में। देखिए यहाँ पर जैसे कनेक्ट का ऑप्शन शो करेंगे ना, उससे पहले एक एडवांस का ऑप्शन शो करता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स कर सकते हैं कि कौन सी एनवायरनमेंट आपको सेट करना है, जैसे कि नोट 18 है, रूट पाथ है, आउटपुट पाथ है, मेन बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, देखिए बल्क पर आप क्लिक करिए और जितने भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है ना आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। जैसे कि फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पोर्ट नंबर और MongoDB डेटाबेस को यहाँ पर ऐड करता हूँ। बाद में भी आपको बता देता हूँ इनकेस अगर आप भूल जाए ना तो कैसे इसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल को आप सेट कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। .env फाइल को ओपन करिए, इसमें पोर्ट नंबर को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मेक श्योर इसमें स्पेस मत दीजिए आप। उसके बाद में हम क्या करेंगे, MongoDB URL को भी ऐड कर देंगे कॉपी, और पूरा का पूरा MongoDB URL आप यहाँ पर ऐड करिए, मैं जो इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो MongoDB URL ऐड करने के बाद आप क्या करें, कनेक्ट टू साइक्लिक पर क्लिक करिए तो आपकी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप क्रिएटिंग ऐप प्रोफाइल, और यहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद में हमारी एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक जो है URL पर होस्ट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये होस्ट हो चुकी है, यू आर लाइव। इसमें देखिए बहुत से ऑप्शंस अभी मिसिंग है, देख सकते हैं आप इसने ऑटोमेटिकली जो है इतने सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को डिटेक्ट कर लिया है। तो ये सारी चीजें भी अभी हमको ऐड करना है। आप स्टार्ट में भी ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, मुझे आपको बताना था कि बाद में भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो चलिए चलते वापस साइक्लिक के मेन डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक न्यू एप्लीकेशन बन चुकी है, प्रोडक्शन नोड जेएस ई कॉमर्स एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करिए और हम क्या करेंगे, पहले शुरू इस URL को ओपन करेंगे, देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं। ओपन लिंक इन न्यू टैब, और यहाँ पे देख लेंगे क्या इशू है। देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है,
चलते वापस राइट क्लिक के डैशबोर्ड पे और लॉग्स पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे शो करेंगे कि एरर क्यों आ रहा है। देख सकते हैं आप, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। अच्छा, फीचर जेएस की फाइल इसको नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, गिटहब पर एक बार कोड देख लेंगे इसका फीचर्स। अच्छा एक बार मैं पूरा एरर मैसेज पढ़ लेता हूँ। ये है कंट्रोलर्स के अंदर, देख सकते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर ये इशू आ रहा है। चलते यूजर कंट्रोलर में, ये रहा कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर, इसमें हमारे पास है फीचर। अच्छा ये फाइल है फीचर्स जेएस, इसको नहीं मिल रहा है। फीचर जेएस हमने यूटिल्स में रखा था, एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर लोअर केस में और इम्पोर्ट करते टाइम ये अपर केस में हो गया, तो इसको एडिट कर लेंगे, यहीं से भी एडिट हो जाएगा। तो एडिट दिस फाइल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में कर देंगे, फीचर डॉट जेएस, ये हो गया। और कहीं तो इश्यू नहीं है, कमिट कर लेंगे, कमिट चेंजेस, और डिफॉल्ट रहने देता हूँ मैं, अपडेट यूजर कंट्रोलर जेएस, कमिट चेंजेस। तो यहाँ पर हमने इसको कमिट कर लिया। इसके बाद में चलते हैं एप्लीकेशन पर और डिप्लॉयमेंट पे आप क्लिक करिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पेंडिंग शो कर रहा है, अब यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, देख सकते हैं कमिट भी यहाँ पर अपडेट हो गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए वेलकम टू नोड सर्वर, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। वेरिएबल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो वन बाय वन आपको सभी को जो है ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप इसको सेव करिए। तो मैं फटाक से जो है इसमें सेव कर देता हूँ सारी चीज़ों को, जैसे कि ENV अब हमारा रहेगा प्रोडक्शन, और क्लाउडनरी की जितने भी आपके सीक्रेट है ना, क्लाउडनरी नेम सीक्रेट, फिर उसके बाद में JWT सीक्रेट, क्लाउडनरी API की, स्ट्राइप API की। अच्छा स्ट्राइप API की का ऑप्शन नहीं है ना इसमें, तो एक और हम ऐड कर देंगे। यहाँ से आप इसको कॉपी करिए, कॉपी यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, और ये है API की। तो वन बाय वन आप सभी को ऐड करिए, मैं ऐड कर दूंगा, और यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो शो नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा, उसके बाद में डायरेक्ट सेव का ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को मैंने ऐड कर दिया, अब मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट में आप चेक कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट में जाइए, और यहाँ पर तो अभी कुछ भी शो नहीं करेगा, और एप्लीकेशन रिफ्रेश करेंगे तो देखिए स्टिल हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रही है। तो सक्सेसफुली हमारा नोड सर्वर जो है डिप्लॉय हो चुका है। अब इस URL को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद चलते हैं VS Code में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट के अंदर जाएंगे, और स्टोर के अंदर हमने ऐड किया था ना रिडक्स स्टोर JS, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस URL को यहाँ तक के ऐड कर देंगे, पेस्ट कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ तक हमारा URL ऐड हो गया। अब इस URL पे हमारी एप्लीकेशन हिट होने वाली है HTTPS, और जो भी URL आपको मिला होगा तो वो यहाँ तक आपको ऐड करना है। उसके बाद में सेम नेमिंग कन्वेंशन API/V1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में जो है हमारी एप्लीकेशन को जो है ना होस्टिंग सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं। अभी स्टिल हम नेटिव की एप्लीकेशन को जो है लोकली यूज करने वाले, लेकिन हमारा जो नोड का सर्वर है वो डिप्लॉय हो चुका है, तो इनकेस अगर कुछ इशू भी होता है ना लोकली मेरे सिस्टम में, तो अब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय हो चुकी है। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, मेक श्योर टेस्ट करके ट्राई करिए, और कमेंट भी कर सकते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर देखते हैं इसको और फिक्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमने इसको डिप्लॉय कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है लॉगिन के ऊपर काम करके रखा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट यूजर को गेट करके ट्राई कर लेंगे, यानी यूजर डेटा हमको एक्सेस करना है, और यूजर डेटा एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर लॉग आउट रजिस्टर और फिर जितनी भी फंक्शनैलिटी है उस पर काम करेंगे।